हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनू। आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं वेज मोमो। वेज मोमो की स्टफिंग अलग अलग तरीके से होती है। पनीर, सोया चंक्स, बहुत तरीके से इसकी स्टफिंग की जाती है। मैंने यहां पे आज सिंपल वेजिटेबल से इसकी स्टफिंग की हूं। तो आप भी इस वेज मोमो की रेसिपी को अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वेज मोमो बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें 2 कप ग्रेट किया हुआ पत्ता गोभी को डाल देंगे। पत्ता गोभी डालने के बाद अब हम इसी में 1 कप ग्रेट किया हुआ गाजर डालेंगे। आप गाजर को काट के भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे ग्रेट करके ले रहे हैं। अब गाजर डालने के बाद हम इसमें 1 कप पीली शिमला मिर्च कटी हुई डाल देंगे। इसी के साथ आधा कटी हुई प्याज को भी डाल देंगे। 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है उसको हमने ग्रेट कर लिया, उसको भी डाल देंगे। और 2 लहसुन की कलियाँ को हम बारीक चॉप कर लिए, उसको भी डाल के सारी सब्जी को एक साथ मिक्स कर लेंगे। सारी सब्जियों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच तेल डालेंगे। और तेल डालने के बाद इन सारी सब्जियों को एक साथ मिक्स कर लेंगे और 20 मिनट के लिए इनको ढक करके साइड में रख देंगे। यहाँ पे हमने सारी सब्जियों को मिक्स कर लिया है, इसको ढक करके 20 मिनट के लिए छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे हम आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए हमने 1 कप मैदा लिया है और इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल के मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे। सॉफ्ट आटा का डो हम तैयार करेंगे। जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं वैसे ही यहाँ पे हमने आटा तैयार कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल लगा करके फिर से हम आटा को गूंथ लेंगे और इसको भी हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। यहाँ पे हमने 1 चम्मच तेल लिया, इसको भी हम अच्छे से आटा के साथ गूंथ लेंगे और आटा को भी हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम एक प्लेट लेंगे और उसके ऊपर कोई भी कॉटन का एक कपड़ा डाल देंगे और उसके ऊपर मेरे पास जो स्टफिंग रेडी है इसको डाल के सारी सब्जियों का पानी हमें निकालना है, इसलिए हम सारी सब्जियों को इस कपड़े के ऊपर डाल देंगे अच्छे से। डालने के बाद अब हम चारों साइड से कपड़ा को उठाएंगे और इनको अच्छे से ऐसे पकड़ेंगे, ये देखिए नीचे की तरफ से, और इनको ऐसे करके इनका सारा पानी हम सब्जी से सारा पानी हम निकाल लेंगे। ये देखिए सारा पानी हमने निकाल लिया। अब हम इसको फिर से एक प्लेट में सब्जी को निकाल के रख लेंगे। यहाँ पे मेरी स्टफिंग देखिए बन के तैयार हो गई है, कितनी फ्रेश दिख रही है एकदम। इसे फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इसी तरह इसका स्टफिंग बनाएंगे ताकि हेल्दी भी हो और टाइम भी कम लगे। अब हम एक बार फिर से आटा चेक कर लेंगे। आटा देखिए 20 मिनट हो गया और सेट हो गया। इसको एक बार फिर से हम मिला लिए और अब हम इसका छोटा छोटा लोई बनाएंगे। जितना बड़ा हम गोलगप्पा बनाने के लिए लोई लेते हैं ना, उतना ही बड़ा हम इसका लोई लेंगे। सारे को तोड़ लेंगे, देखिए इतना छोटा छोटा तोड़ लेंगे। अब इसी तरह फिर से अब हम एक आटा का लोई लेंगे और गोल करके इसको सूखे मैदे में मिलाएंगे और इसको बेलेंगे। इसको जितना बड़ा हम पूरी बनाते हैं उसी शेप में इसको बेलना है। फिर से हम एक बार मैदा लगा लिए हैं इसमें आटा, और इसको हम एकदम पतला ट्रांसपेरेंट, जितना पतला होता है एकदम ट्रांसपेरेंट इसको दिखना चाहिए आर से पार, इतना बड़ा हम उसको बेल लेंगे। अब हम इसके ऊपर 2 चम्मच स्टफिंग डालेंगे। ये देखिए 2 चम्मच स्टफिंग डाल के अब हम इसको बीच में कर लेंगे, एक साइड से उठाएंगे, दूसरे साइड में इसको दबाते हुए पुश कर देंगे, चारों साइड से अच्छे से हम सील कर देंगे। ये देखिए अच्छे से हमने सील कर दी। अब हम इसको उठा करके बीच में ऐसे पुश करेंगे और एक साइड से लेकर के एक कॉर्नर का दूसरे कॉर्नर में ऐसे करके चिपका देंगे। ये देखिए एक डिजाइन मोमो का बन के तैयार हो गया है, देखिए बहुत ही आसान है। फिर हम दूसरा लोई लेंगे और इसको भी एकदम पतला बेल लेंगे, जितना बड़ा पूरी बेलते हैं उतना ही बड़ा इसको भी बेल लेंगे। और सेम प्रोसेस से इसका भी हम सिर्फ डिजाइन चेंज करेंगे। ये देखिए इतना पतला बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर फिर से स्टफिंग डालेंगे। और डालने के बाद हम स्टफिंग बीच में करने के बाद एक साइड से उठाएंगे और दूसरा हाथ से इसको चिपकाते हुए जाएंगे। ये देखिए
ऐसे घुमाते हुए इसको सिर्फ चिपकाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना आसान है बनाना। देखिए ये मेरा दूसरा डिजाइन बन के तैयार हो गया। और इसका आप जो ऊपर का जो शेप है खुला हुआ, उसको आप अगर बंद कर देंगे तो तीसरा डिजाइन बन जाएगा। यहाँ पे मैंने तीन डिजाइन का शेप बना के रख लिया। ये मेरे पास एक बर्तन पड़ा है, इसमें हम मोमो स्टीम करेंगे। ये नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल रहता है। आपके पास अगर इडली स्टैंड है तो उसमें भी आप बना सकते हैं। इसमें हमने तेल लगा लिया है, अब हम इसके ऊपर मोमो डालेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप दे करके हमको मोमो को डालना है। यहाँ पे हम यहाँ पे तीन डिजाइन का मोमो बनाए हैं। ये देखिए छह डाल दिए हम इसमें। अब हम इसको यहाँ पे पानी गर्म हो गई है, इसमें एक स्टैंड डाल देंगे और इसके ऊपर अब हम मोमो का प्लेट डालेंगे। देखिए मोमो का प्लेट डालने के बाद अब हम इसको ढक करके 20 मिनट तक पकाएंगे। 20 मिनट हो चुकी है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए मेरी मोमो बनके तैयार हो गई है। देखिए 20 मिनट में ये मोमो बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।